अगर हम सेवा सत्संग सुमरण से जुड़े हैं तो वास्तव में ऐसे ये कुछ काम है हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं अगर हम गुरुमत में हैं, गुरुमत में तभी हो सकते हैं जब हम ये कुछ काम हम अपने दिलो दिमाग से एकदम उतार देंगे, नहीं तो कहते हम गुरु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। कहते बहुत सी लोगों की शिकायत होती है कि यार बहुत सारे लोग हम सत्संग भी जा रहे हैं, जो सेवा सदगुरु कृपा से मिलती वो भी हम कर रहे हैं, धन रूपी सेवा भी करते, सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे जीवन को जो दिशा मोड़ होना चाहिए वो नहीं, जैसे के तैसे ही है। तो ऐसे कैसे हैं, मतलब कि हम में कोई कमी है, हमारे कर्म नहीं बदले, हमने सेवा करनी शुरू कर दी, हमने सत्संग करना शुरू कर दिया और हम कहते हैं सुमरण भी करते हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया और ब्रह्म ज्ञान कहते ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति भी हो गई, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति ये सिर्फ हमने कहने तक सुनने तक हमने सीमित रखा है और इसको अपने जीवन में नहीं डाला। कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, जो हमने ब्रह्म ज्ञान लिया अगर वो हमारे कर्मों में नहीं डला तो आपके जीवन का श्रृंगार नहीं बन सकता। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें बिल्कुल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम सत्संग जाते हैं और निरंतर जाते हैं, जब भी सत्संग मिलता हम सत्संग जाते हैं, जो सेवा मिलती हम वो भी करते हैं, अपने जो सत्संगी भाई बहन संत महात्मा महापुरुष जो भी हो गए हैं उनकी सेवा भी हम करते हैं, घर बुलाते हैं उनकी सेवा करते हैं, हम जाते हैं उनके पास, तो हम मतलब कौन सा ऐसा काम है जो कि हम ना करें, जो सेवा सत्संग सुमरण से जुड़ने के बावजूद अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी 10 से 2 नहीं हो रहे, मतलब 10 से 12 नहीं हो रहे, मतलब कोई भी 12 नारे आपके नहीं हो रहे, तो आप जरा चिंता करने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा। कि कहते हैं कि दुनिया भटक के आ जाओ और सदगुरु के चरणों में एक बार माथा टेक के देख लो कि आपका कहने किस्मत ही बदल जाएगी, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। कि कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई और कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। कहते ना गुरु ने जो एक बार बोल दिया आपके लिए वो हर काम आपके होंगे, वो ऐसा कहते ना असंभव को भी कहते गूंगे से राग गवा देता है, लूले से को पर्वत चढ़ा देता है, तो ये सदगुरु ऐसा होता है। तो हमें कौन से काम नहीं करने वो मैं आपको बताता हूँ और छोटा सा वीडियो है पूरा आप देखना। सबसे पहली बात है अगर हम सत्संग करते हैं सेवा करते हैं किसी भी तरह की सेवा चाहे धन रूपी चाहे तन रूपी हमें करनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर कहते अगर हमारे दिलो दिमाग में वैर ईर्ष्या नफरत अगर भरी है, हम ये ना सोचें कि हमारा सत्संगी भाई है, ये गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ये गुरु माता है, उसके प्रति हमें अच्छा व्यवहार, बाकी की अगर आप गलत व्यवहार करते हो, नजरिया गलत रखते हो, दुर्व्यवहार करते हो, दूसरों की बुराइयां करते हो, दूसरे की बुराइयां सुनते हो, दूसरे काम बिगाड़ने में आपका हाथ होता है, सोचते रहते हो बुरा कभी कुछ, तो आपको लाभ होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये गुरुमत नहीं मनमत है। अगर गुरुमत में आपको आना है तो जैसा गुरु कहता कि वैर ईर्ष्या नफरत कहते ये संतों का गहना नहीं है, इसको तो कहते कूड़ा करकट समझ के कहते हमारे घर में जो कूड़ा पड़ा होता है हम उसको पहले साफ करते हैं, ऐसे हमारे मन में जो वैर ईर्ष्या नफरत दूसरों के प्रति भरा होता है उसको हमने निकालना होता है, तभी ये ब्रह्म ज्ञान हमारे कर्मों में ढल सकता है, तभी हम गुरुमत में चल सकते हैं। और अगर हम गुरुमत में चलना चाहते हैं, गुरुमत में चल भी लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे बदल जाता है जैसे कि आप कोई मौसम देख लो कि सर्दी के मौसम में गर्मी का कोई काम नहीं, एकदम कितना भी कर लो आपको गर्मी नजर नहीं आएगी। अब देखो रात हो गई है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी लाइटें जला लो, मगर दिन जैसा उजाला नहीं हो सकता। तो गुरुमत में रह के हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है जिसकी हमने कामना भी नहीं करी होती है। कहते हमें वो मिल जाता है जो हमारी किस्मत में भी नहीं होता है। कि सदगुरु कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप होता है, ये साकार रूप होता है, वैसे अगर ब्रह्मा को ढूंढने निकले तो हम नहीं ढूंढ सकते, सदगुरु के चरणों में एक बार नतमस्तक हो जाओ ये यूं हमें दिखा देता कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।